पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 10 जो कि हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो अनिस के अंदर प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सैंडमेयर रिएक्शन के बारे में। तो जो क्लोरोबेंजीन होता है, ब्रोमोबेंजीन होता है, उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो बाय ट्रीटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद क्यूपरस हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड्स। तो इसका मतलब है कि जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, जो मेरा फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी अगर हम रिएक्शन करवा देंगे किससे, क्यूपरस हैलाइड्स के साथ में, तो क्यूपरस हैलाइड का फॉर्मूला हो जाएगा Cu2X2 वेयर X इज द क्या हैलोजन। तो हैलोजन यहां पर हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यानी कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ में, क्यूपरस क्लोराइड या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड के साथ में विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स। इसके साथ में इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हेलोजन एसिड्स भी होंगे। सपोज अगर यहाँ पर ये Cu2Cl2 हम ले रहे हैं, ठीक है, क्यूपरस क्लोराइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेरा हेलोजन एसिड होगा वो भी अब क्या होगा, HCl होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं Cu2Br2 क्यूपरस ब्रोमाइड ले रहे हैं, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड हम लेंगे, तो यानी कि ये HCl नहीं होगा, अब क्या होगा, HBr, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, मेरा फ्लैशली प्रिपेयर्ड था डाइजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर कैसे हो रहा है, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, क्यूपरस हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड्स। तो ये तीनों जो है रिएक्शन करके मेरे को देते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट कर लेते हैं कि ये जो मेरा डाइजोनियम सॉल्ट जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हम बोल रहे हैं, ये हमारा कैसे प्रिपेयर हो रहा है। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर होता है NH2। ये बेंजीन रिमूव हो गई, ये क्या हो गया मेरा NH2, ठीक है, ये मेरा एनिलीन है। तो इसका जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन है उसको अगर हम ट्रीट करेंगे विद एक्सेस ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 जो कि मेरा होता है सोडियम नाइट्राइड, ठीक है, लो टेम्परेचर पे, तभी मैंने बोला इसका आइस कोल्ड सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम एनिलीन को ट्रीट कर देंगे किसके साथ में, डाइल्यूट HCl के साथ में जो कि मेरा एक्सेस में है, और क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है किसका, सोडियम नाइट्राइड का, सोडियम नाइट्राइड होता है NaNO2, ठीक है, और टेम्परेचर मैंने कितना बोला है, लो टेम्परेचर पे। तो इसका जो आइस कोल्ड सॉल्यूशन है वो कितना होगा, 0 डिग्री के आसपास। तो इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर केल्विन में बात करो तो 273 केल्विन और 278 केल्विन के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली जो मेरी रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इससे पहले जो हमारी रिएक्शन थी जिसमें हमारे पास में डाइजोनियम सॉल्ट आ जाता है उसके साथ में फिर हम रिएक्शन करवाते हैं क्यूपरस हैलाइड्स की इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड होगा उसी के साथ में, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। लेकिन जिस रिएक्शन के अंदर हम क्या डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम होता है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर ये एनिलीन था, तो इनके साथ में रिएक्ट करने के बाद मेरे को दे देता है क्या, N2+ यहां पर, और यहां पर मैंने HCl लिया था तो यहां पर N2+Cl- मिल जाएगा मेरे को, तो ये मेरे पास में आ जाता है इसका प्रोडक्ट, प्लस में क्या बन जाएगा मेरे पास में, H2O। तो ये मेरी क्या रिएक्शन है, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो आपको बुक के अंदर रिएक्शन दिखेगी वो कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, एनिलीन। तो यहाँ पर आपको एनिलीन ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लेते हैं ये लेते हैं प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ही, तो इसलिए हमने क्या लिया इसके अंदर सिर्फ एनिलीन, ठीक है। तो बुक के अंदर आपको ये भी दिख सकता है कि जो मेरा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है जो कि मेरा ऑफ कोर्स एनिलीन ही है, वो रिएक्ट करेगा HCl और NaNO2 के साथ में मिलके इस टेम्परेचर पे मेरे को दे देता है डाइजोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ पर आप HX ले लोगे, अगर आप X ले लोगे कोई भी हैलोजन, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, N2+X-, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, ये दोनों जो हम डाल रहे हैं यानी कि HX और NaNO2, यहाँ पर ये हमको क्या दे देते हैं, ये जो HCl है प्लस, और हमने डाला है इसके अंदर NaNO2, ये हमको मिलकर दे देते हैं NaCl, ठीक है, और प्लस मिल जाता है हमें HNO2।
तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे होनो, HONO। तो बेसिकली मेरे पास में ये जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से हमारी ये रिएक्शन होती है। तो बुक के अंदर इतना नहीं दिया हुआ है, बुक के अंदर जो है डायरेक्टली वहां पर रिएक्शन गिवन है। तो बुक के अंदर आप देखोगे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जो है वो इनकी प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इस टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर दिया हुआ होगा तभी रिएक्शन होगी, ठीक है। इस टेम्परेचर पे रिएक्ट करके देता है डाइजोनियम सॉल्ट। अब अराइल हेलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए डाइजोनियम सॉल्ट का ही हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसका यूज करके आगे अराइल हेलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरी जो है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन है जिसके अंदर हमने डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर किया है। दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट, ये जो है मेरा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, Cu2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड्स, तभी वो होगी मेरी साइनमेयर रिएक्शन। और उससे हम प्रिपेयर करेंगे क्या, एराइल हेलाइड्स। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के अंदर यानी कि एनिलीन के अंदर अगर आप डालोगे NaNO2 और HCl या फिर वो लिख दे होनो, तो होनो का भी मतलब क्या है कि NaNO2 और HCl से मिलके ही वो HONO बना है। तो अगर वो उसके अंदर वो भी लिख देता है तो तब भी हमें क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो उस रिएक्शन के होने के बाद मेरे को यहां पर मिलेगा एक डाइजोनियम सॉल्ट। N2+X- लिख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है। ये मेरा डाइजोनियम सॉल्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, क्यूपरस के हेलाइड्स यानी कि Cu2X2। यहाँ पर अभी मैं X ले रही हूँ, कोई भी मेरा हेलोजन है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है भी क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लग जाता है, ये पूरा जो ग्रुप है N2+X में ये पूरा हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे X रह जाएगा, ठीक है। और प्लस की क्या निकल जाएगी यहाँ से, N2। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये N2 यहाँ से निकल गई, X यहाँ पर जुड़ गया आके। तो यहाँ से N2+X- में से ये N2 यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और जो ये मेरा X था ये यहीं पर जुड़ जाएगा। तो मेरे पास में क्या बन के आ गया है, ये कोई भी हेलोजन लग गया है बेंजीन रिंग के ऊपर। अगर सपोज यहाँ पर मेरे पास में ये बनता, ये डाइजोनियम सॉल्ट मेरे पास में होता N2+Cl-, ये मेरा क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट। इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं क्यूपरस क्लोराइड के साथ में, और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन होगा वो कौन सा होगा, यही होगा, हेलोजन एसिड इज HCl। तो ये भी मेरे को भी क्या देगा, बेंजीन के ऊपर Cl। सिर्फ यहाँ से ये N2 जो है रिलीज हो जाएगी, हट जाएगी और Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो हमें जो है कोई भी जो हेलोजन दिया हुआ होता है ना, डायरेक्ट वो हेलोजन उसकी जगह पे आके लग जाता है। जैसे ही मेरा डाइजोनियम सॉल्ट बन गया तो जो भी मेरा हेलोजन होगा उसके साथ में वो आके लग जाएगा ऊपर। तो ये मेरा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और प्लस की निकल जाएगी मेरी N2, ठीक है। तो ये मेरी क्या रिएक्शन है, ये दोनों ही रिएक्शन मेरी साइनमेयर रिएक्शंस हैं। तो अभी हमने सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन की बात की है, तो अगर इसी तरीके से मेरे को आयडो अरेंज की प्रिपरेशन करनी है तो यहां पर हम ले लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अगर इसको मेरे को बनाना है आयडो अरेंज यानी कि मेरे को क्लोरीन और ब्रोमीन नहीं लगाना, मेरे को उसके जगह पे आयोडीन चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको Cu2Cl2 Cu2Br2 ऐसे हेलोजन डालने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि क्यूपरस के हेलाइड्स डालने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली आपको क्या डालना पड़ेगा, एक्वस Ki का सोल्यूशन डाल दो वार्म कंडीशंस में, तो ये आपको दे देता है आयडो अरेंज। तो यानी कि क्यूपरस हेलाइड्स की जरूरत नहीं है। अगर मेरे को आयडो बेंजीन चाहिए तो सिंपली एक्वस सोल्यूशन दे दो Ki का, और सिंपली शेकिंग करने से ही आपको मिल जाएगा आयडो अरेंज। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर इस पूरे ग्रुप को हटा के क्या लग जाएगा, सिर्फ आयोडीन लग जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगी, ये N2 रिलीज हो जाएगी, और यहाँ से ये I तो यहाँ पर लग गया, और ये जो K था ये Cl के साथ में मिलके क्या दे देगा, KCl, ठीक है, बन गए सारे प्रोडक्ट ऐसे। तो यहाँ पर ये जो I था, जो भी मेरा हेलोजन डाल रहे हैं, जो भी नेगेटिव वाली स्पीशीज है ना, वो वहां पे जाके सीधा जुड़ जाएगी। अब यहाँ से ये N2 रिलीज हो जाएगी, एक K यहाँ पर बचा और Cl यहाँ पे बचा, वो दे देगा KCl। तो ये मेरा क्या बन गया, आयडो अरेंज, आयडो बेंजीन, ठीक है। इस तरीके से हम बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा सकते हैं, आयोडीन भी लगा सकते हैं। तो ये भी हमारी एक रिएक्शन हो जाती है। अब इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर फ्लोरीन लगाना है, तो फ्लोरीन लगाने के लिए ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में है क्या, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये है N2+Cl-, ठीक है। अब फ्लोरीन लगाने के लिए हमें इसको ट्रीट करना पड़ेगा फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ में, मतलब HBF4 के साथ में, ठीक है। इसके साथ में जब हम ट्रीट करेंगे तो ये हमको क्या दे देता है, फ्लोरोबोरेट दे देता है। तो यानी बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाता है
N2+ और BF4- ये बन जाता है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं इसका प्रोडक्ट बना देती हूँ। अब इसको जब हम हीट कर देते हैं, इसको हीट करने के बाद हमें मिल जाता है फ्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर सीधा लग जाता है फ्लोरीन। ठीक है, तो अगर मेरे को फ्लोरोबेंजीन बनाना है, जैसे हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन ये सब बना पा रहे हैं, तो आयोडोबेंजीन तो ऐसे बनेगा की आई के साथ में डाल के। ठीक है, और जो फ्लोरोबेंजीन है उसके लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, फ्लोरोबोरिक एसिड इसके साथ में डालेंगे, तो ये हमको मिलता है फ्लोरोबोरिक। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव वाली स्पीशीज क्या होगी, ये तो H+ हो गया और BF4- हो गया, तो ये नेगेटिव वाली स्पीशीज इसके साथ में जुड़ेगी, N2+ BF4- बन जाएगा। अब BF4- में से एक फ्लोरीन तो यहाँ जुड़ गया फ्लोरोबेंजीन के लिए, और जो बचेगा वो क्या होगा, B और F, तीन तीन F बचेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, BF3। ठीक है, और प्लस की क्या रिलीज जाएगी, N2 गैस, ये N2 यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास में हो जाता है आयोडोबेंजीन के लिए, और ये क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन के लिए। तो जो सैंड में रिएक्शन है उसके अंदर आपको दिखेगा क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन के लिए बेसिकली। ठीक है, और ये जो मेरी फ्लोरीन की रिएक्शन थी ना, जिससे मैंने फ्लोरोबेंजीन बनाया है फ्लोरोबोरिक एसिड डाल के, और इसके अंदर मेरे पास में ये डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बना है, इसको हीट करने पर मेरे पास में फ्लोरोबेंजीन बनकर आ जाता है। साइड प्रोडक्ट में है BF3 और N2। अब ठीक है, इसको बोलते हैं हम, इस रिएक्शन का नाम है बॉल्स स्कीमन रिएक्शन, BALZSCHIEMANN रिएक्शन। ठीक है, ये इस रिएक्शन का नेम है। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बाय सैंडमेयर रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।